नमस्कार, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर कंचन। आज हम बात करते हैं कि आखिर होम्योपैथी मेडिसिन किडनी के ऊपर कैसे काम करती है और इसका लेने का तरीका क्या है। तो होम्योपैथी मेडिसिन एलोपैथी मेडिसिन से बिल्कुल अलग है और इसके लेने का तरीका भी अलग है, और ये काम कैसे करती है, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि एलोपैथी है, अगर एलोपैथी कैसे ली जाती है, वो पानी के साथ ली जाती है। जैसे एग्जांपल अगर हम आपको बताएं तो फीवर की मेडिसिन है या कोई भी पेन किलर है, तो आप फीवर के मेडिसिन या पेन किलर ले रहे हैं तो उसको आपको कैसे लेना होता है, आप वो डायरेक्ट नहीं ले सकते हो, आप उसको पानी के साथ लेना होता है। जैसे आप पानी के साथ लेते हैं तो पहले ये क्या होता है, पहले ये डिसॉल्व होता है, देन ये डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड में मिक्स होता है, फिर ये जाके अपना काम करता है। इन प्रोसेस को करने में एलोपैथी मेडिसिन को पूरा 1 घंटे का टाइम लगता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आखिर एलोपैथी कैसे काम करती है, पूरा उसका प्रोसेस है, पूरे 1 घंटे का टाइम लग जाता है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन 1 घंटे का टाइम नहीं लेता है। अगर आपको एग्जैक्ट प्रॉपर डोज मिल रही है तो उसको सेकंड भी नहीं लगेगा आपकी प्रॉब्लम को कवर करने में। जैसे कि फीवर है, अगर आपको फीवर है तो प्रॉपर अगर आपको डोज दी जा रही है, प्रॉपर पोटेंसी दी जा रही है और प्रॉपर मेडिसिन दी जा रही है होम्योपैथी की, तो वो आपको एटलीस्ट 15 मिनट में ही अपना काम कर देगी वो। अब ये काम कैसे करती है, आखिर होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो डायरेक्टली आप टंग पे ले सकते हैं। जैसे ही आप टंग पे लेते हैं, टंग के अंदर जो नर्व्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और तुरंत आपके प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं। तो होम्योपैथी मेडिसिन कभी भी पानी के साथ नहीं लिया जाता है। कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं जिनको हम मदर टिंचर बोलते हैं, जो कि क्यू फॉर्म में आती है, वो आप डायरेक्ट टंग पे नहीं ले सकते हैं। जैसे आप डायरेक्ट टंग पे लेंगे वो आपको कैसा महसूस होगा, बिटर टेस्ट होगा, तो आप लोग टंग पे नहीं, डायरेक्ट टंग पे नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़े से पानी में ही लेना होता है। ये भी नहीं कि पूरा 1 गिलास पानी आपको यूज़ करना है या आधा गिलास पानी यूज़ करना है, आपको सिर्फ सिप लेना है कि आपने पानी में मिक्स किया बिल्कुल 1 सिप और मेडिसिन मिक्स की और आपने डायरेक्ट लिया, तो वो क्या हो रहा है, वो आपके टंग के साथ डिजॉल्व होके ही जा रहा है, पूरे आपके सेंसेस पे काम कर रही है, जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो क्या हो रही है, 15-20 मिनट में ही सॉल्व हो रही है। तो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन एलोपैथी मेडिसिन से पूरी तरीके से अलग है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर किडनी के ऊपर कैसे काम करती है हमारी होम्योपैथी मेडिसिन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि होम्योपैथी मेडिसिन कैसे काम करती है, टंग पे हम लेते हैं और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। तो हम देखते हैं कि आखिर किडनी की प्रॉब्लम क्यों पेशेंट में आई है, किस रीज़न के वजह से आई है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो किडनी के पेशेंट होते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि पेशेंट को बीपी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है या कोई अदर डिजीज़ है। तो अगर हम बीपी पे फोकस करते हैं तो बीपी आखिर पेशेंट को क्यों आया, ये इस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। होम्योपैथी में ये ज़रूर देखा जाता है कि आखिर उसका कॉज क्या है, आखिर उसको बीपी की प्रॉब्लम क्यों आई है, आखिर उसको शुगर की प्रॉब्लम क्यों आई है। बीपी और शुगर सबसे ज़्यादा कहाँ से रिलेटेड होता है, वो हमारे माइंड से होता है। तो होम्योपैथी मेडिसिन जो वर्क करती है वो हमारे माइंड को लेके भी वर्क करती है। अब सपोज करिए अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम आ रही है तो आखिर क्यों आ रही है, ऐसा क्या प्रॉब्लम पेशेंट ने फेस किया है, ऐसी क्या उसके माइंड में टेंशन चला है, चाहे वो ऑफिस का वर्क हो सकता है, चाहे वो घर का भी हो सकता है स्ट्रेस या टेंशन, इसके वजह से उसको बीपी की प्रॉब्लम धीरे धीरे आनी स्टार्ट हुई है और पेशेंट को पता ही नहीं चला कि उसका बीपी इंक्रीज हो रहा है। तो सडन क्या होता है कि जैसे पेशेंट का बीपी इंक्रीज होता है, वो ब्लड का प्रेशर हमारे किडनी के तरफ प्रेशर के साथ जाता है, जिससे नेफ्रॉन्स जो हैं वो झेल नहीं पाते हैं और वो क्रेटिनिन के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम कॉज देखते हैं, जो कि कॉज है बीपी और डायबिटीज़। डायबिटीज़ में भी यही होता है कि आपका पैनक्रियाज जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। जो भी आप फूड मटेरियल ले रहे हैं, जैसे कि सपोज आप कुछ भी खा रहे हैं, तो वो क्या होता है, पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, देन वो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को इंसुलिन चाहिए, ग्लूकोज नहीं। तो जब इंसुलिन आपकी बॉडी कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, आपका पैंक्रियाज कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि आपके ब्लड में शुगर के लेवल्स धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। और वही शुगर के लेवल्स अगर किसी भी पेशेंट के अंदर है तो शुगर के जो कंटेंट होंगे वो भी ब्लड में मिक्स होंगे ही होंगे,
जिसके वजह से ब्लड क्या होता है कि वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है और नेफ्रॉन जो है उनको झेल नहीं पाते हैं और क्रिएटिनिन के लेवल को वो बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखा यही जाता है कि आखिर क्या कॉज है, पेशेंट क्यों ऐसे सिचुएशन में गया जिसका उसका बीपी और शुगर उसका बढ़ना स्टार्ट हुआ। देन जैसे अभी मैंने बोला कि पानी की क्वांटिटी पेशेंट कम कर देते हैं, तो ये हमारी लाइफ स्टाइल के ऊपर जाता है कि अगर पेशेंट कोई भी काम कर रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने काम पे ही फोकस करते हैं। तो ये सारी मैटर करता है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम क्या काम कर रहे हैं, हम अपने काम में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं या इतना ज़्यादा अपने काम का प्रेशर ले लेते हैं कि हम अपने खाने का और ना ही पीने पे ध्यान देते हैं। तो जब पानी की भी कमी होनी स्टार्ट होती है तो किडनी में क्या होता है, टॉक्सिन मटीरियल का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से किडनी धीरे धीरे काम करना कम कर देती है और क्रिएटिनिन का लेवल वो बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। और होम्योपैथी में ये भी देखा जाता है कि पेशेंट क्या सोच क्या रहा है, वो उसका इमोशनल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस और उसके ड्रीम्स कैसे हैं, उसको खाने में क्या पसंद है, खाने में क्या चीज़ें नहीं पसंद है, इन चीज़ों के बेसिस पर एक प्रॉपर मेडिसिन दी जाती है, कस्टमाइज मेडिसिन दी जाती है, जिससे किडनी पेशेंट की जो क्रिएटिनिन का लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। कुल मिलाजुला के ये बात होती है कि होम्योपैथी मेडिसिन जो काम करती है वो हमारे माइंड को लेके काम करती है, हमारे इमोशंस को लेके काम करती है। अगर हम इनके बेसिस पे अगर कोई एक मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे हैं या कस्टमाइज मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे हैं तो पेशेंट ठीक होना होता ही होता है और क्रिएटिनिन का लेवल धीरे धीरे कम होता ही है। तो अब आप लोगों को पता लगा होगा कि होम्योपैथी मेडिसिन कैसे काम करती है, उसको लेने का क्या तरीका है। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे एलोपैथी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, आप किसी चीज़ की मेडिसिन ले रहे हो तो वो डिज़ीज़ आपका ठीक ना हो के दूसरी डिज़ीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन जिस चीज़ की आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे वो किडनी की डिज़ीज़ हो, चाहे वो अस्थमा के लिए ही क्यों ना ले रहे हो, चाहे वो स्किन के लिए क्यों ना ले रहे हो आप मेडिसिन, तो उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके बॉडी में नहीं दिखेंगे। उल्टा जिस चीज़ की आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो धीरे धीरे आपका क्योर होता चला जाएगा। तो होम्योपैथी मेडिसिन कुल मिलजुला के बहुत ही अच्छी पैथी होती है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपकी किसी भी तरीके की डिजीज़ पूरी तरीके से क्योर हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।